कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की आधारशिला रखी गई। डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने सोलर प्लांट का शिलान्यास किया। सोलर प्लांट का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। आपको बता दें कि थर्मल पावर प्लांट से सोलर पावर प्लांट के ट्रांजिशन में अब कोडरमा भी शामिल हो गया है। प्रदूषण, बढ़ते खतरे और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अब सोलर एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। डीवीसी के चेयरमैन रामनरेश सिंह ने बताया कि 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और पूरे देश से 500 गीगावाट सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है। उसमें सोलर भी है, विंड भी है और भी आपके जो पंप स्टोरेज हाइडल है, तो इन सारे चीज़ों पे हम लोगों को धीरे धीरे जाना है और उसके लिए एक वर्ल्ड लेवल पे कमिटमेंट है भारत का। और भारत का कमिटमेंट के तरह से 500 गीगावाट हमारी कैपेसिटी बननी है 2030 तक, जिसमें ऑलरेडी आज के डेट में करीब करीब 170 गीगावाट की क्षमता भारत ने बना लिया है और 500 गीगावाट 2030 तक निश्चित रूप में हम लोग उसको प्राप्त करेंगे पूरे देश के स्तर पर। उसमें बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीवीसी ने भी अपना एक प्लान बनाया है कि 2030 तक जो हमारी क्षमता होगी उत्पादन की, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, वो करीब करीब 4000 मेगावाट से ज़्यादा की क्षमता होगी। अगर उसमें आप हाइडल जोड़ लेंगे, पंप स्टोरेज सोलर, तो 4000 से ज़्यादा की क्षमता हम लोग अपना जो है 2030 तक बनाएंगे। और उसी के क्रम में आज एक 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर का हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया है, जिसका कार्य अवार्ड हो चुका है और तुरंत इस पर काम जो है शुरू होगा। हमारे कलीग जो ब्रिथवेट के हैं, वो उन लोगों के द्वारा काम शुरू किया जाएगा और 6 से 7 महीने में हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो डैम्स है, आप देख रहे हैं ना चारों, यहीं का तिलैया डैम में करीब 600 मेगावाट का हमारा फ्लोटिंग सोलर बनाने का प्लान। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या फिर करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 एसी एंड नॉन एसी रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टो फॉर डिलीशियस फूड। होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, सुवर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।